है हम लोग जो इस समय लेकर आ रहे हैं, आप लोगों को पता ही चल गया होगा क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते ही हैं, पता है हमारा चैनल, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई आप लोगों की जो ओ लेवल का जो प्रैक्टिकल है बहुत जल्दी ही होने वाला है, एडमिट कार्ड मिलने लगे हैं। तो सबसे जो मेन चीज है प्रैक्टिकल के लिए, भाई प्रैक्टिकल क्लासेस हैं तो प्रैक्टिकल करना जरूरी है, और करने के लिए प्रैक्टिकल थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस उसमें आएंगे और उस क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी आज की क्लास है वो आयुची की क्लास है, एंड इसमें जो हमारा प्रैक्टिकल है टोटल होता है आपका 100 मार्क्स का, ठीक है। तो ये देखिए जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को जो यहाँ पर फिर मतलब ज्वाइन कर लीजिए, ताकि क्या है क्लासेस थोड़ी लेट हो गई हैं आप लोगों की, थोड़ी नहीं काफी लेट हो गई हैं, तो उसके लिए सॉरी सभी लोगों को, ट्रैफिक जाम की वजह से थोड़ी क्लासेस लेट हो गई। तो सब लोग ज्वाइन कर लीजिए जिन लोगों को आईओटी के प्रैक्टिकल के लिए यहाँ वेट कर रहे हैं क्लासेस का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम पैटर्न की बात करें कि हमारा कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, तो पैटर्न हमारा जो फॉलो हो रहा है, देखिए मार्क्स जो इसमें देख रहा है टोटल जो आपका है 100 मार्क्स का, जिसमें 20 मार्क्स का वाइवा है, ठीक है। तो आपका जो ये क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो देखिए इस तरह का है, ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसमें टोटल जो है आपके थ्री थ्री क्वेश्चन होते हैं, आपके तीन क्वेश्चन हैं आपके, और तीनों के तीनों आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 मार्क्स का है, जो सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है अगेन 25 मार्क्स का है, तो 50 का ये हो गया आपका, ठीक है। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 दो पार्ट्स में है आपका, और वो है आपका 30 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल 80 मार्क्स का जो है आपका टोटल प्रैक्टिकल है, ठीक है, और 20 मार्क्स का आपका वाइवा है, तो टोटल इस तरीके से 80 मार्क्स का है। तो टोटल एक बार में आपको ये करना होगा। तो ये है कुछ आपका पैटर्न एग्जाम का, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, थ्योरेटिकल पढ़ाई की है इसकी, तो प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों को ये दिक्कत हो जाती है कि इसकी कोडिंग कैसे करें, ठीक है। तो कोडिंग कैसे करें, तो कोडिंग के लिए सबसे पहले तो आपको प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए कि आईओटी की जो कोडिंग होती है, आईओटी की आपको कहाँ करनी होती है कोडिंग, ठीक है। तो और कोडिंग का स्टार्टिंग कैसे करेंगे, किस तरह उसको रन कर रहा है, और कैसे हम ये समझे कि किस क्वेश्चन के लिए क्या कोडिंग होती है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक। मैं आज का जो आपका ये है वीडियो, इसमें आपको ये बताऊंगी। राहुल जी हेलो, गुड इवनिंग। तो आज की जो आपकी क्लास है उसमें मैं आपको ये बताऊंगी, मैं प्रैक्टिकल नहीं करने वाली हूँ क्योंकि लेंदी लेंदी है ये आपके और टाइम बहुत कम है। तो मैं आपको पहले ये कोडिंग बताऊंगी कि क्वेश्चन आपका क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी कोडिंग है, मैं आपको उसको कोडिंग को पूरा ये एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप कोडिंग को प्लान आउट करें। क्योंकि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपका सेम क्वेश्चन हो, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन की कोडिंग एक बार आप समझ जाएंगे तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं आप, उसका पैटर्न जो है बिल्कुल एम सेम पैटर्न पर उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका जो आईओटी की कोडिंग है वो अरिंदो पर आपकी होती है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको वो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां आपको कोडिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, आप उसकी जो आपका स्क्रीन है, आप दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो एक तरफ आप उसकी कोडिंग करके अगर आपको थोड़ा स्पेस मिलता है तो आप उसकी सर्किट डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड कि आपके पास टाइम कितना है। तो अगर आप कोडिंग कंप्लीट करते हैं, कंप्लीटली रन होती है आपकी, तो आपका आप ये पार्ट भी कर सकते हैं उसका। तो हम देखिए स्टार्ट करते हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है हमें। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो हमारा ये कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अरिंदो टू ब्लिंक अ लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग एलईडी, एलईडी भी लिख सकते थे, लेकिन लाइट इमिटिंग डायोड होते। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि जो आईओटी है वो क्या कर सकते हैं, वो डिजाइनिंग के लिए यूज होती है, किसके लिए, इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस के लिए। वो डिवाइसेस जो क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं, तो उन डिवाइसेस के लिए यूज होती है। तो क्वेश्चन हमारा है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अरिंदो टू ब्लिंक अ लाइट इमिटिंग डायोड ऑल्सो डिस्क्राइबिंग द कनेक्शन यूजिंग अ सर्किट विद द अरिंदो UNO डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको सिर्फ वो डिस्प्ले कर रही हूं कि किस पैटर्न पर आपका जो है
ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो आपका नजर आ रहा है स्क्रीन पर, स्क्रीन पर आपको जो पिक्चर नजर आ रही है ये एलईडी की है। टू ब्लिंक अ लाइट, आपका जो एलईडी है, एलईडी क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें क्या करते हैं लाइट ब्लिंक करती है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें क्या करना है, प्रोग्राम करना है जिसमें कि क्या करे, अ ब्लिंक अ लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड जो उसमें मतलब इसका प्रोग्राम हमको करना है। तो प्रोग्रामिंग में हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ देखिए इसकी कोडिंग है, आप सिर्फ कोडिंग पे फोकस कीजिए कि किस तरीके से आपको कोडिंग करनी है। तो ये इसकी कंप्लीट कोडिंग है जिसको यूज करके होपफुली आपको ये नजर आ रही है, नहीं आ रही है तो मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं, इसको प्लीज चेक कीजिए कि आपको ये नजर आ रही है कि मैं थोड़ा इसको जूम कर दूं ताकि उसके बाद मैं क्या कर सकूं, इसकी कोडिंग को एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो चलते हैं हम इसको, चलिए देखिए इसकी जो कोडिंग है इसको बहुत ध्यान से देखना है। हमको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें टू ब्लिंक राइट अ प्रोग्राम टू राइट अ प्रोग्राम यूजिंग द अरिंडो टू ब्लिंक अ लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। और क्या करना है, डिस्क्राइब भी कर रहा है किसके लिए, उसके कनेक्शन सर्किट्स को, ठीक है। और किस पर करना है, उस पर अरिंडो UNO डेवलपमेंट बोर्ड के ऊपर। तो इसके लिए जो हमारे कंपोनेंट्स है जिसकी हमको जरूरत है, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत है, एलईडी और रेजिस्टर्स की तो जरूरत होती ही है भाई, ये तो मेन कंपोनेंट्स है फॉर एलईडी करंट लिमिटिंग के लिए, ठीक है। तो अब ये देखिए सर्किट कनेक्शंस इसमें यूज हो रहे हैं, कौन कौन से कनेक्ट हो रहे हैं, कैथोड्स आपके ऑफ द एलईडी टू द सर्किट पिन ऑफ 13 ऑन द अरिंडो, है ना, कनेक्ट द। अब इसमें क्या करेंगे, बेसिकली जैसे मैंने बताया कि आपका जो IoT है उसमें क्या करते हैं, इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस को हम डिजाइन करते हैं। तो एलईडी में जो हम सर्किट डिजाइनिंग कर रहे हैं वो भी क्या यूज कर रहे हैं, हम रेजिस्टर्स यूज कर रहे हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एक सर्किट डिजाइनिंग कर रहे हैं, ठीक। तो अब उसके लिए जो हम कोडिंग यूज करेंगे, कोडिंग में हम सबसे पहले देखिए स्टार्ट कर रहे हैं वॉइड से, बिकॉज देखिए वॉइड आपका क्या होता है, एक फंक्शन की तरह होता है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एक सेटअप क्रिएट करना है, किस चीज के लिए सेटअप क्रिएट करना है, टू ब्लिंक अ लाइट एंड लाइट इमिटिंग डायोड्स। तो हमने एक वॉइड सेटअप किया, ठीक है, फंक्शन है ये, देन हमने अपना कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया एंड उसके बाद हमने क्या किया, पिन मोड में ले गए उसको, किसके लिए, लेफ्ट बटन के लिए। आउटपुट हमने इसे एज ए इसमें क्या किया, हमने यूज किया एंड देन हमने इसको क्लोज कर दिया। एक और हमने फंक्शन बनाया वॉइड लूप के लिए, क्या करना है, अगेन एंड अगेन उसको लूप के ऊपर चलना है। गुड इवनिंग राहुल जी, गुड इवनिंग, तो क्या करना है, इसको लूप पर चलना है, ठीक है। एंड देन हमारा लूप में क्या करना है, लूप में देखिए हमने सेम जैसे हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, हमारा जो IoT में प्रोग्रामिंग है वैसी ही होगी, बस जो इसका प्लेटफॉर्म है हम अरिंडो यूज करते हैं एंड उसपे ही प्रोग्राम रन करते हैं। तो अभी आज की क्लास में मैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ बता रही हूँ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको किस तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है। तो पहले क्वेश्चन समझना है देन उसके अकॉर्डिंगली। तो हमने सबसे क्या किया, पहले सेटअप क्रिएट किया, सेटअप किसके लिए किया, लेफ्ट बटन के लिए, ठीक है, एंड आउटपुट इसका लेकर आए एंड देन हमने क्या किया, लूप, लूप क्या कर रहे हैं, टर्न द लाइट ऑन, लाइट को ऑन करना है, ब्लिंक कराना है ना हमको, तो क्या करना है, टर्न द लाइट ऑन, लाइट को टर्न ऑन करना है। हाई इज द वोल्टेज लेवल, कब होगी ये, जब वोल्टेज का लेवल हाई होगा, भाई लाइट का कब ब्लिंक होगी, तभी जब वोल्टेज का लेवल हाई होगा। तो हमने उसके लिए देखिए क्या यूज किया है, डिजिटल राइटर, डिजिटल राइटर हमने यूज किया है एंड देन उसके लिए क्या है, एलईडी बिल्ट इन यूज किया है, कब कब होगा वो, जब क्या होगा, वोल्टेज हाई, ठीक है। देखिए हर कोडिंग के साथ अगर आप कमेंट्स लिखते हैं तो ये सामने वाले को ये समझ में आता है कि आपका जो भी कोडिंग आप लिख रहे हैं वो क्या है, जो भी कोडिंग आप लिख रहे हैं वो कोडिंग क्या है, बिल्कुल एब्सोल्युटली आपको समझ में आ रही है वो कोडिंग, ठीक है। तो जरूर जब भी आप कोडिंग करिए तो कोडिंग के साथ क्या करिए, कमेंट्स जरूर लिखिए ताकि समझ में आए कि आपको कोडिंग आ रही है। तो हमारी एलईडी में लाइट कब होगी, जब वोल्टेज हाई, ठीक है। तो एलईडी बटन सॉरी ये एलईडी का जो है ये उसके लिए है जब वोल्टेज हाई होगा, ठीक है। डिले, डिले के लिए देखिए टाइमिंग दिया हुआ है कि कब तक का हमको डिले करना है, वेट फॉर
कितने सेकंड्स के लिए, 1000 मिली सेकंड्स के लिए वेट करना है, ठीक है। इट्स डिपेंड, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, अगर अगर डिले का टाइमिंग कुछ और हो या जानना हो तो डिले फंक्शन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वो वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टर्न द एलईडी ऑफ बाय मेकिंग द वोल्टेज लो, और एलईडी जो है वो क्या हो, बंद हो जाए कब, जब वोल्टेज क्या हो हमारी कम हो, तो क्या करेंगे, डिजिटल राइट, देन उसमें हमने क्या कर दिया, एलईडी बटन क्या कर दे, जब क्या हो, लो हो, ठीक है, एंड डिले कर दिया उतने सेकंड के लिए। तो ये जो हमारी कोडिंग है ये हमारा क्या काम करेगी, हमारा एक तरीके से क्या करेगी, लाइट को ब्लिंक करेगी, ठीक है। जो हमारा एलईडी है उसमें क्या करेगी, टाइमिंग हमने दे दिया है कि इस टाइमिंग के लिए क्या करेगी भाई, ब्लिंक करना क्या मतलब होता है, जलना या बुझना होता है ना, तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक सेटअप क्रिएट किया है, एक फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन में हमने क्या किया है, उस फंक्शन में हमारा एलईडी जो है उसके साथ क्या करेगी, लाइट इमिटिंग डायोड, उसमें क्या करेगी, लाइट हमारी ब्लिंक करेगी, जलेगी और बुझेगी, जब वोल्टेज ज्यादा होगी तो जलेगी, वोल्टेज कम होगी तो बुझ जाएगी। तो और उसके साथ क्या है, डिले कर दे, डिले का टाइमिंग सेम है, मतलब जलने और बुझने का जो समय है वो क्या है, सेम है। तो उसके लिए हमने एक ये क्या किया है, कोडिंग की है इसके लिए। तो ये हमारा आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। तो बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर है। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है जो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा वो है, डिजाइन ए काउंटर। काउंटर क्या होता है, काउंटर जो काउंट करे, किस चीज को काउंट करे, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली काउंटर काउंट करे। तो काउंटर भी हमारा क्या है, एक तरीके से डिवाइस ही है। तो हमको डिजाइन करना है काउंटर। जनरली हम सर्किट डिजाइनिंग के लिए काउंटर्स को डिजाइन करते हैं, ठीक है, इसके लिए सर्किट डिजाइनिंग वगैरह भी करते हैं। वो हमको काउंटर डिजाइन करना है यूजिंग अ एटमेगा माइक्रो काउंटर लाइक, देखिए इसमें नाम भी इसका स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है इसका, कि किसके लिए ये यूज हुआ है, ठीक है, ये पूरा स्पेसिफिक नेम दिया है, एटमेगा 32 328P, कंप्लीट इसका मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है जिसके अकॉर्डिंगली इसको बनना है उसको वो दिया हुआ है, यूजिंग अरिंदो, मतलब ये तो बनता सब इसी पर है, लेकिन बार बार इन्होंने ये बताया कि इसमें बनाना है, टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ एंट्रीज पर डे इन एन ऑफिस। तो हमारे जो ऑफिस है उसमें जो पर डे एंट्री हो रही है उसके लिए क्या करना है, एक काउंटर बनाना है यूजिंग द एटमेगा माइक्रो काउंटर, ठीक है। और माइक्रो काउंटर का भी इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक मतलब बताया है कि किस तरह का हमको यूज करना है। सिंपल प्रोग्राम है, जनरली क्या होता है, हम जब ऑफिस वगैरह में एंट्री या कहीं पर भी आप जनरल एंट्रीज करते हैं तो वह बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, ठीक है। तो बायोमेट्रिक सिस्टम पे क्या होता है, जब भी कुछ एक पर्टिकुलर जो टच कराई जाती है तो जब वो उसे टच करती है तो उसकी एक एंट्री हो जाती है। एंट्री कैसे होती है, तो उसमें काउंटर सिस्टम लगा होता है, वो काउंटर सिस्टम क्या करता है, हमारी एंट्रीज को रीड करता है और रीड करने के बाद उसकी एक एंट्री फिक्स कर देता है, और एक एक करके जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही है वो नंबर जो उसका क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक काउंटर सर्किट डिजाइनिंग करनी है, यानी कि काउंटर की सर्किट डिजाइनिंग करनी है। तो देख लेते हैं फटाफट इसका क्या प्रोग्रामिंग कोड है और किस तरह हम इसको यूज करेंगे अपने प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकल के लिए जब भी आप प्रोग्रामिंग कीजिए बहुत बहुत ध्यान में रखकर कीजिए कि बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली ही प्रोग्रामिंग कीजिए, ठीक है। और टाइम टू टाइम उसको रन करा के देखते रहिए, ऐसा नहीं कि पूरा प्रोग्रामिंग करते जा रहे हैं लास्ट में रन करा रहे, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर है आपका,
टेलीग्राम पे इसका लिंक ओपन दोबारा करना पड़ेगा। देखिए हो सकता है थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, 2 मिनट का डिले लग सकता है। अभी दो आप कोडिंग खुलेगी। क्वेश्चन पेपर पेंट्रे जी पीडीएफ है, ये लिंक है क्रोम फाइल्स। चलिए मेरे ख्याल से हो सकता है कि इस क्वेश्चन को डिस्प्ले होने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ कि आपका थर्ड क्वेश्चन इसमें ओपन हो रहा है कि नहीं।
ही ओपन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट एक काम करते हैं, आपका जो ये क्वेश्चंस है इसकी जो कोडिंग है उसका जो ऑनलाइन आपका है किस तरीके से आपका चलता है कल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ लेकर हम एक बार फिर आएंगे आप लोगों के लिए। इसमें जो जितने भी इसके दो प्रोग्रामिंग है दोनों के दोनों प्रोग्रामिंग हम आपको ऑनलाइन शो करेंगे कि किस तरीके से ये होती है प्रोग्रामिंग कोडिंग इसकी एंड किस तरीके से होने के बाद ये पूरा शो होता है आपका अरिंदो के ऊपर उसका जो एनवायरमेंट होता है जिसके ऊपर हम कंप्लीट कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने के बाद इसको डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, तो बाकी के जो आपके दो प्रोग्राम्स है काउंटर का एंड आपके जो सर्किट डिजाइनिंग के जिसके की दो पार्ट हमने आपको शो कराए थे यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है हमारा उस क्वेश्चन पेपर में आपके हाँ ये जो क्वेश्चन पेपर है जो क्वेश्चन पेपर हमारा है ओ लेवल का प्रैक्टिकल का इसमें से जो पहला क्वेश्चन हमने मैंने आपको बताया था उस क्वेश्चन पेपर को अगर आप अरिंदा का जो एनवायरनमेंट का प्लेटफॉर्म है उस पर शो करेंगे देखिए ये सब लिंक्स तो आपका शो हो रहा है कि आप चाहें तो उसको ऑनलाइन भी उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, उसके लिए लिंक्स अलग होते हैं। ये तो कोर्सेज वगैरह के लिए लिंक आपको दिखा रहा है, ये सब नहीं करना है हमको, हमको तो इसकी सर्किट डिजाइनिंग करनी है यूज करके। ठीक है, तो ये सब हमको नहीं करना है। जो आपका पहला प्रोग्राम मैंने आपको डिस्प्ले कराया था आपका जो ऑनलाइन है आप उसको लोड कर वो कर लीजिए ऑनलाइन अरिंदो लेकर उसके ऊपर आपका जो कोडिंग है जो मैंने आपको 5-6 लाइन की कोडिंग बताई थी आप उसको करके और डिस्प्ले कराइएगा। बहुत जल्दी ही आपका जो इसका प्रैक्टिकल है बाकी दो क्वेश्चंस के लिए वो भी हम आपको ऑनलाइन कराकर हमारा जो चैनल है उसके ऊपर डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, बिल्कुल आप इस बात की चिंता नहीं करिएगा कि आपका जो IoT का प्रैक्टिकल है वो कैसे होगा, बिल्कुल इसकी कंप्लीट कोडिंग के साथ हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरीके से इसका जो है कोडिंग होती है और किस तरीके से इसकी जो कोडिंग है हम करने के बाद डिस्प्ले कराते हैं बिल्कुल उस मार्क्स के लिए। ठीक है, तो कोडिंग आपको पहले क्वेश्चन की समझ में आई होगी इतनी मुझको उम्मीद है जरूर। ठीक है, और बाकी इसका जो कंप्लीट प्रैक्टिकल है हम प्रैक्टिकल के साथ अपना वीडियो बनाकर अपने चैनल पर जरूर अपडेट करेंगे ताकि आप इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।